नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आज 28 दिन बाद जेल से अपने घर मन्नत पहुंच चुके हैं, और मन्नत के बाहर का नजारा क्या है वह हम आपको बताते हैं। मन्नत के बाहर शाहरुख खान के फैंस का जमावड़ा है और तरह तरह के लोग वहां पे एकत्रित हो रहे हैं। दो वीडियो दिखाएंगे आपको। पहले वीडियो में एक साधु है जो मन्नत के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, शाहरुख खान के परिवार के सुख कल्याण के लिए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं। उस वीडियो में एक बांसुरी वादक शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर बांसुरी बजा रहा है, वो भी शाहरुख खान के एक गाने के ऊपर। दोनों ही वीडियो बड़ा दिलचस्प है और दोनों वीडियो का आप आनंद उठाइए। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए साधु का, कि कैसे शाहरुख खान के घर के बाहर। संकट कटे मिले सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान बताए राम पा गुरु रे नानी हर द्वार पार कर। अब एक और आपको वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में एक शख्स भगवा वस्त्र को पहनकर नंदी जी को साथ लेकर, नंदी एक तरह का गाय होती है जिसको लोग पूजा करते हैं, उस गाय को साथ लेकर बांसुरी बजा रहा है मन्नत के बाहर, शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर। इन चीजों को देखने और समझने के बाद ये कहा जा सकता है कि इस देश के अंदर कितनी भी हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत भरने की कोशिश की जाए वो पनपने वाले नहीं है। ये वीडियो भी देखिए, इसके बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। इस वीडियो को लेकर आशीष मेहता हैं, ट्वीट करके लिखे हैं, शाहरुख खान के घर के बाहर मन्नत के गेट के सामने एक साधु बैठ गए हैं, कह रहे हैं शाहरुख खान और उनके परिवार के कल्याण के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं। तो तरह तरह के लोग हैं और अपने जरिए से शाहरुख खान का समर्थन दे रहे हैं। आप देखिए कि श्याम मीरा सिंह हैं, वो भी ट्वीट करके लिखे, शाहरुख खान के घर मन्नत के सामने एक हिंदू साधु उनके परिवार घर की सुरक्षा के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। इसके साथ आप देखिए कि बॉलीवुड के जो सितारे हैं वह भी शाहरुख खान के समर्थन में उतर चुके हैं। पहले बहुत सारे बॉलीवुड के जो सितारे थे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद शांत रहे, किसी की जुबान नहीं निकल रही थी, लेकिन जब आर्यन खान को वेल मिल गई उसके बाद कई सारे लोगों ने शाहरुख खान के समर्थन में ट्वीट किया और आर्यन खान के बेल होने पर बधाई दी। आप देखिए सोनू सूद हैं, ट्वीट करके लिखे हैं, समय जब न्याय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती है। रंगनाथ माधवन हैं, ट्वीट करके लिखे हैं, थैंक्स गॉड एज ए फादर आई एम सो रिलीव्ड माय ऑल गुड एंड पॉजिटिव थिंग्स हैपन। किंग मिल्खा सिंह हैं, मिल्खा सिंह एक सिंगर हैं, बॉलीवुड के जाने माने सितारे हैं, उन्होंने ट्वीट करके लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशन टू आर्यन खान एंड टू द अदर एक्यूज्ड फॉर गेटिंग बेल, आई एम सो हैप्पी दैट आई वॉज फाइनली ग्रांटेड ब्रदर शाहरुख खान, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड ह्यूजली टू द फ्रेटर्निटी, गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू एंड योर फैमिली। तो इस तरह से जो बॉलीवुड के लोग हैं वो शाहरुख खान के और उनके परिवार को बधाई दे रहे हैं। तो सारे लोग जो हैं बॉलीवुड के शाहरुख खान के समर्थक, सबके मन में एक हर्षोल्लास है और खुशी की लहर है, और हो भी क्यों ना, पूरे 28 दिन बाद आर्यन खान आथा रोड जेल से निकलकर अपने घर मन्नत पहुंचे हैं। 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत दी गई है और फिलहाल अभी वह मन्नत पहुंच चुके हैं। कल से ही लगातार वीडियोस आ रहे हैं कि कैसे शाहरुख खान के घर के बाहर मन्नत के सामने जो उनके फैंस हैं वो लगातार जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, मानो कि जैसे दिवाली उनके लिए आज ही आ गई हो। तो सारी चीज़ें हैं, आप देखिए पूजा भारद्वाज हैं, एक वीडियो को ट्वीट करते हुए इन्होंने लिखा है मन्नत के बाहर पीपली लाइव। तो पीपली लाइव का पूरा सीन बनाया जा रहा है मन्नत के बाहर। तो आप देख सकते हैं कि तरह तरह के वीडियोस निकल के सामने आ रहे हैं, लोगों की जो खुशी है उसको वो लोग जाहिर कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि देश कितना भी इसको बांट लिया जाए लेकिन यह देश बंटने वाला नहीं है। शाहरुख खान जिस तरह से हमेशा निष्पक्ष होकर और सेकुलर होकर हमेशा लोगों की बात करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उसी अंदाज में चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू लोग हों, सभी लोग शाहरुख खान के समर्थन में उतरे हैं। आपको बता दें कि शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान एक हिंदू समुदाय से आती हैं, लेकिन शाहरुख खान से शादी करने के बाद भी गौरी खान ने अपना धर्म नहीं बदला, एक बड़ी बात है। शाहरुख खान भी ऐसी कई सारी फिल्में कर चुके हैं जिनमें वह हिंदू का रोल निभाते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं और कई सारे हिंदू संगठन के लोग इसको लेकर आपत्ति भी जताते हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद भी शाहरुख खान की जो एक सेकुलर इमेज है वह आज काम आ रही है। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर कोई शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की रिहाई की मांग कर रहा था और आज उन सब लोग की मुराद पूरी हुई और आर्यन खान आर्थर रोड जेल से अपने घर मन्नत पहुँच चुके हैं। तो शाहरुख खान के घर के बाहर की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई और अभी की जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं कैसे वहाँ पे एक साधु मन्नत के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, इसलिए क्योंकि शाहरुख खान के परिवार का जो सुख समृद्धि है और जो शाहरुख खान के सुख हैं, कल्याण है, वो सारी चीज़ें बरकरार रहें। तो आप समझिए कि शाहरुख खान के प्रति लोगों के अंदर कितना ज़्यादा प्रेम है और कैसे शाहरुख खान के समर्थन में सारे लोग उतर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर कहा जाए तो किस तरह से समीर वानखेड़े ने एक साजिशन के तौर आर्यन खान को गिरफ्तार किया, इस बात को लगातार नवाब मलिक इस सवाल को उठा रहे हैं कि साजिशन आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। अब आर्यन खान तो रिलीज हो गए हैं लेकिन तलवार समीर वानखेड़े के ऊपर लटक रही है, उनको भी जेल जाना पड़ सकता है। जो समीकरण निकल के सामने आ रहा है कुछ ऐसा ही निकल के सामने आ रहा है कि आर्यन खान को तो बेल मिल गई, आर्यन खान के तो घर पहुंच चुके हैं, लेकिन समीर वानखेड़े और जो उनकी पूरी टीम थी, जिन लोगों ने मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, वो जेल जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर।